सनम तुम तो घर पे नहीं आई, तो मैं ये तुम्हारे लिए ना जेवरात और कपड़े ले आई थी इरम की शादी के लिए। और किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटे, तुम्हारी बहन की शादी है, शादी में जाना तो पड़ेगा ना। तो जलील भाई, ये सभी ने इरम की शादी के तोहफे के लिए दिया था, कह रहा था अपनी मर्जी से कोई तोहफा ले ले। इसकी क्या जरूरत थी, सब कुछ तो है हमारे पास। रखें आप ये। और बेटे, ये तुम्हारा खर्चा। नहीं, आप रखें पैसे, मेरे पास अभी है। रख लो बेटे, जरूरत पड़ेगी तो। सभी ने ना बच्चे के लिए बड़े प्यारे तोहफे, खिलौने, कपड़े, क्या कुछ नहीं भेज दिया। इस खैर से वक्त आने पे सब जमा करके लेकर आऊंगी। कहता है जब भी मार्केट जाता है उसके लिए कुछ उठा के ले आता है। रजी के नसीब में ये सब कुछ नहीं था। मुझे तो सभी भाई की समझ ही नहीं आती, एक तरफ इतना ख्याल और दूसरी तरफ इनकार। बेटे, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, नहीं मानता। तो फुप्पो, फिर आप उनको मनाए ना, क्योंकि बच्चा हो जाने के बाद हम सनम की शादी फौरन कहीं और करते। लेकिन लेकिन क्या, अभी इसकी उम्र ही क्या है, सारी उम्र हम इसको घर तो नहीं बैठा सकते। अम्मी, आप इरम की शादी हो जाने के बाद फौरन सनम के लिए कोई रिश्ता ढूंढें, मैंने भी कुछ लोगों को कहा हुआ। क्या कहा है डॉक्टर ने? बेटा कह रही थी कि कमजोरी बहुत है, खाने पीने का और सुकून का खास ख्याल रखना है। अब तो इरम भी चली गई है, कितना ख्याल रखती थी इसको। अब ये ड्यूटी भी आपको ही करनी पड़ेगी अम्मी। हाँ बेटा, मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, और तुम्हारे अब्बू अलग से बीमार, इरम सब कुछ संभाल लेती थी। बाकी उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई। मैं जाके देखती। हेलो, हाँ, कुछ पता लगा है आज का? अच्छा, स्टूडियो बंद है। मेरी तो कल फ्लाइट है सऊदीया की, मैं तो जा रहा हूँ। तुम फिर अगर कुछ भी पता लगा तो बताना। हाँ ठीक है, शुक्रिया। चाय मांग रहे, और मैं यहाँ बैठूँ उनके लिए चाय बनाओ के लिए कहाँ कहाँ जाऊँ? अम्मी मैं तो कहता हूँ अब आप भी घर में किसी को हाथ बटाने के लिए रख लें, आपकी भी मदद हो जाएगी और कोई सनम का ख्याल भी रख लेगा। सोचूंगी इसके बारे में। सनम का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, मुझे बहुत फिक्र है इसकी। तुम फिक्र ना करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर लेगा। तुम दो मिनट बैठो। सभी है ना
बच्चे के लिए बड़े प्यारे खिलौने कपड़े क्या कुछ नहीं भेज दिया। कहता जब भी मार्केट जाता है उसके लिए कुछ उठा के ले आता है। मुझे तो सभी भाई की समझ ही नहीं आती, एक तरफ इतना ख्याल और दूसरी तरफ इनकार। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो ना आया मरने के बहाने आए। क्यों ना चले इश्क का रास्ता, क्यों हर कदम दिल भटकता रहा। हाँ मंजिल थी जो क्यों से